दुनिया के सबसे बड़े सौदे में भारत 15 अरब डॉलर से अधिक लड़ाकू विमानों की मांग करता है। सूचना के लिए अपने अनुरोध में यह स्पष्ट है कि वायुसेना प्रौद्योगिकी या उस क्षमता पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है जो इसे हासिल करना चाहती है। दुनिया के सबसे बड़े सौदे में भारत 15 अरब डॉलर से अधिक लड़ाकू विमानों की मांग करता है। सूचना के लिए अपने अनुरोध में यह स्पष्ट है कि वायुसेना प्रौद्योगिकी या उस क्षमता पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है जो इसे हासिल करना चाहती है। भारत 100 सेकेंड अधिक नए लड़ाकू जेट खरीदना चाहता है। पहला विमान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 3 वर्षों के भीतर वितरित किया जाना चाहिए। जानकारी के लिए अनुरोध जुलाई तक खुला है, वायुसेना ने कहा। भारत 100 सेकेंड अधिक नए लड़ाकू जेट खरीदना चाहता है। वायुसेना ने शुक्रवार को सूचना के अनुरोध पर कहा, सौदा अंततः रुपए के ऊपर की लागत की उम्मीद 1 लाख करोड़ या लगभग 15 अरब डॉलर लड़ाकू विमानों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा होगा। सूचना के लिए अनुरोध कई मापदंडों को आधार देता है जिसके आधार पर वायुसेना विभिन्न लड़ाकू विमानों का मूल्यांकन करेगी। स्वीडन के साथ लॉकहीड मार्टिन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बोइंग, फ्रांस के डेसॉल्ट, रूस के मिग और यूरोपीय संघ यूरोफाइटर के निर्माता होने की संभावना है, वायुसेना ने कहा। भारत में एक सामरिक भागीदार भारतीय उत्पादन एजेंसी द्वारा 85% बनाना होगा। पहला विमान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 3 साल के भीतर वितरित किया जाना चाहिए। जानकारी के लिए अनुरोध जुलाई तक खुला है, वायुसेना ने कहा। विमानों का अधिग्रहण करने की नई प्रक्रिया अब भी पैदा हुए मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट विमान MMRCA सौदे को बदलती है जो वायुसेना के अंत में खत्म हो गई जब सरकार ने 36 रफाले जेटों के अधिग्रहण के लिए फ्रांस के साथ सीधी सौदे में प्रवेश किया। हालांकि वायुसेना के सूत्रों का कहना है कि इन जेटों को हासिल करने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, यह अभी भी परीक्षणों की पूरी प्रक्रिया और मूल्य वार्ता पूरा होने के कुछ साल पहले होगी। सूचना के लिए अपने अनुरोध में यह स्पष्ट है कि वायुसेना तकनीक या उस क्षमता पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है जो इसे हासिल करना चाहती है। नए विमानों को कला विमानों के राज्य से सुसज्जित किया जाना चाहिए। आदर्श रूप से 10 सेकेंड अधिक उड़ घंटा से हवा में ईंधन भरना AAR के साथ और लेह के रूप में उच्च ऊंचाई वाली हवा क्षेत्रों से काम करने में सक्षम हो। इसके अतिरिक्त भारत लड़ाकू के इलेक्ट्रॉनिक स्कैन किए गए चरणबद्ध सरणी रडार में उपयोग किए जाने वाले अत्याधुनिक गैलियम नाइट्राइड गायन आधारित तकनीक में रुचि रखता है। रडार को आदर्श रूप से एक साथ एयर टू एयर और एयर टू स्पेस ऑपरेशन को चलाने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में हथियारों का पता लगाने, ट्रैक करने और संभवतः हवा में लक्ष्य के साथ साथ एक साथ लॉन्च करने की क्षमता है। जमीन